यूपी के बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वीं वाहिनी पीएससी के हेड कांस्टेबल को गोली लग गई है। गोलियां लगने से जमीन पर गिर गए हेड कांस्टेबल। मौके पर पहुंचे एसएसपी अनुराग आर्य। कैंट थाना क्षेत्र नकटिया पुलिस चौकी क्षेत्र का है ये पूरा मामला। पीएससी कैंपस में गोलियां चलने से वहीं अब खलबली नजर आ रही है। 8वीं वाहिनी पीएससी के हेड कांस्टेबल को दो गोलियां लगी हैं। वहीं गोलियां लगने से जमीन पर हेड कांस्टेबल गिर गया है। इसी के साथ अधिक जानकारी पर जुड़ेंगे राजवीर के साथ। जी राजवीर, क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों चलाई गई गोली? जी बताना चाहूंगा, जिस तरह यूपी जिला बरेली में जो देखने को मिल रहा है, कैंट थाना क्षेत्र नकटिया चौकी क्षेत्र में 8वीं वाहिनी पीएससी के एक हेड कांस्टेबल फायरिंग के दौरान जो है सोवरन को पेट पे दो गोलियां लगी है, जिसमें गोली लगने से मौके पर हेड कांस्टेबल जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं साथ ही पुलिस कर्मियों ने और पीएससी के जवानों ने तत्काल प्रभाव से मौके से उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहीं जो है उन्हें रिलैक्स नहीं मिल पाया तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और घटना की सूचना पर मिलते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने मामले की गंभीरता लेते हुए डॉक्टर से बेहतर इलाज की अपील की है। वहीं जो है जो गोली लगने का जो है वहां पर टीम गठित कर रही है और लगातार जो है पुलिस वहां पर सर्च कर रही है कि वजह क्या थी, गोलियां दो को लगी है। जी राजवीर, पीएससी कैंपस में गोली चलाना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, आखिर कौन लोग हैं ये जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है? जी प्रदीति जी, जिस तरह बताना चाहूंगा, एसएसपी ने टीम गठित कर निर्देश दिए गए हैं, आदेश दे दिए गए हैं कि वहां पर जो गोली लगी है किस वजह से लगी है और क्या मामला था, उसका प्रकरण जो है अभी मामला सामने नहीं है, उसकी जांच चल रही है। जैसे ही मामला सामने आएगा उस पर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर। आपको एक बार फिर बता दें, 8वीं वाहिनी पीएससी के हेड कांस्टेबल को गोली लगी है। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।